गाइस, वेलकम बैक टू मी चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट रिव्यू करूंगी। इसका ये है गुड वाइब्स की सैंडलवुड हेयर रिमूवल क्रीम है ये। मुझे रिक्वेस्ट आई थी इसकी यार काफी बार, क्योंकि ये मेरे पास काफी टाइम से प्रोडक्ट पड़ा हुआ था। किसी पर्पल हॉल में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, बट रिव्यू नहीं किया था, पेंडिंग था। तो मुझे इधर फिर से एक बार रिक्वेस्ट आई थी इसकी, तो आई थॉट कि चलो अब इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। परचेज लिंक्स आपको इसके मिल जाएंगे। आज का मैंने जो भी मेकअप लुक है, योगा स्किन मेकअप किया था, उसके बाद मैंने शाय स्टाइल की ग्लिटर गैलेक्सी वाली पैलेट का रिव्यू किया था, तो आई मेकअप उस वीडियो से है। दोनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। सारे प्रोडक्ट्स के, मेकअप प्रोडक्ट्स के जो भी आज मैंने अप्लाई किए, उनके भी परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसका भी परचेज लिंक आपको मिल जाएगा। बैक टू बैक वीडियो शूट कर रही हूं, बैक टू बैक यही लाइन में बार बार बोल रही हूँ, ताकि आप लोगों को, मतलब मैं जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वीडियो के जरिए आप लोगों को लिए अपलोड कर सकूं। हेयर रिमूवल के लिए आप या तो रेजर यूज कर सकते हो या तो वैक्सिंग करवा सकते हो, बट ये जो क्रीम वाला है ना, ये होता तो बहुत इजी होता है, बट इसमें कई बार ऐसे होते हैं कि केमिकल्स होते हैं और बहुत गंदी और फाउल वाली स्मेल होती है। लेकिन ये जो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, आप सबको पता है इसमें पैराबेन एंड ये सब चीजें नहीं होती है, तो एक तरह से हर्बल प्रोडक्ट होगा। तो चलो फटाफट से इसका रिव्यू करेंगे एंड मैं आपको, आपके लिए छोटू सा डेमो भी होगा। लेट्स स्टार्ट। ये है गुड वाइब्स की सैंडलवुड हेयर रिमूवल क्रीम है ये। 50 ग्राम इसकी पैकेजिंग दी हुई है और ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट रिसीव होता है। प्राइस इसका है 99 रुपीज़। 100 रुपीज़ मतलब इसका प्राइस है, लेकिन आप लोग डेफिनेटली यार जाके चेकआउट करो, क्योंकि इस समय पर्पल पे सेल चल रही है, तो मे बी आपको ये डिस्काउंट पे ये प्रोडक्ट मिल सकता है। 2 साल आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। और कैसे अप्लाई करना है वो तो आपको मैं अभी करके दिखाई दूंगी। इंग्रीडियंट्स आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको कहीं पे भी पैराबेन या SLS नहीं नजर में आएगा, ठीक है, क्योंकि जो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट होते हैं उसमें पैराबिन और सल्फेट नहीं होता। ये मेरे पास सैंडलवुड वाला है, आपको इसमें और भी वेरिएंट्स मिल जाएंगे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सैंडलवुड वाले में अब क्या इन्होंने डिफरेंट लिखा, विथ सैंडलवुड के साथ आपकी स्किन क्या हो जाएगी, मॉइस्चराइज रहेगी, इट एक्ट एज एन एक्सफोलिएटर का ये काम करेगा, आपकी स्किन को स्मूथर और फेयरर करेगा, ठीक है। और अच्छा, अब इन्होंने रखना कितनी देर है, आपने अच्छे से क्रीम को अप्लाई करना है, आपने रिमूव करना है, और 3 से 6 मिनट तक, मैक्सिमम 3 to 6 मिनट तक मैं रखूंगी इसको। और अब मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। आपको इसके अंदर एक ट्यूब मिल जाएगी और आपको ये स्पैचुला मिल जाएगा, ठीक है। यप, तो चलो मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। एज यू कैन सी मेरे बाल हैं, आई होप कैमरा फोकस कर रहा है, यप आप देख सकते हो मेरे बाल हैं। ये एक्चुअली ढेर 2 महीने की फुल ग्रोथ है, मानोगे आप, ये मेरी फुल ग्रोथ के अंदर ये चीज़ आती है, क्योंकि अब मैं ऐसा प्रोडक्ट एक यूज कर रही हूँ जिसकी वजह से यार ग्रोथ ही कम होगी, क्योंकि आपको पता है ठंड में आपने कभी मुझे देखा ही नहीं होगा छोटे, यू नो, इतनी इतनी स्लीव्स में आपने हमेशा फुल देखा हो, तो कभी यार किया ही नहीं। आप देख सकते हो बाल लंबे लंबे हैं, लेकिन थोड़े से दूर दूर में है, ठीक है, जो है अब यही ग्रोथ, अब इसी को इसको क्लीन करते हैं। तो चलो अब क्या मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ उसकी भी वीडियो मैं 1 या 2 दिन में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ओके, अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, एंड थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर लूँ अच्छी तरह से। इसकी फ्रेग्रेंस कोई वैसी नहीं आ रही बहुत, मतलब हार्श हार्श जैसी, मैंने ना सब तरफ स्प्रेड कर लेती, क्योंकि आपको भी इधर से शायद नजर आ रहा होगा, हैं बाल इधर नजर नहीं आते, क्योंकि ना बाल अब मेरे ना थोड़े से पतले थिन और थोड़े से दूर दूर होके आने लगे, वो जो भी मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ ना थोड़ा सा वर्क कर रहा है यार मेरे स्किन के ऊपर। 1 या 2 दिन में आप लोगों के लिए रिव्यू मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। उस प्रोडक्ट को भी, उसको लगाने से ना मेरी ग्रोथ रिटार्डर हो गया, मतलब हेयर ग्रोथ रिटार्डर यूज कर रही हूँ मैं। चलो अब आप देख सकते हो मैंने सब तरफ अप्लाई कर लिया, बाल मेरे थे लेकिन छोटे छोटे थे, पतले पतले थे, दूर दूर थे, क्योंकि ना जब तक आप इवनली स्प्रेड नहीं करोगे या फिर थोड़ी सी लेयर में अपने बालों को नहीं कवर अप करोगे, हो गया, एक्चुअली कवर कर रही थी उनको। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए रखूंगी एंड यप, मुझे लगाने के बाद कुछ जलन नहीं हो रही, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। इसकी फ्रेग्रेंस भी वैसे गंदी वाली स्ट्रांग वाली नहीं है। 5 to 6 मिनट्स के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको ना नजदीक से दिखाना चाह रही थी, ये ना कि किसी लोगों को लगे कि मेरे बाल ही नहीं थे, मैं वैसे ही हवा में बोल रही थी। अब देख सकते हो यार, आई होप मेरा कैमरा कैप्चर कर पा रहा है, आपको दिख रहे होंगे यार लंबे लंबे से बाल, ठीक है, तो बाल हैं मेरे, एक्चुअली मैंने जूम किया है, ठीक है। जब मैं इसको क्लीन कर लूंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, अब 5 या 6 मिनट हो चुके हैं 6 मिनट्स तक, तो अब मैं इसको रिमूव करती हूँ। आप देख सकते हो थोड़ा सा ड्राई ड्राई भी होना शुरू हो गया है, तो जिस तरह बालों की ग्रोथ होती है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने इसको रिमूव करना है,
ठीक है ना, आप देख सकते हो। ठीक है, एक बार में इसने एकदम क्लीन कर दिया, आपके सामने ही है। आई होप आपको नजर आ रहा होगा, और आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने नई क्लीन किया उधर बाल हैं अभी। अब बस मैं स्पैचुला को थोड़ा सा क्लीन कर लूंगी, अगर बाथरूम में हो तो आप पानी के साथ इसको कर लो, और मैं आपको बाकी का भी उतार देती हूँ, फटाफट से दिखा देती हूँ। ठीक है, अब देख सकते हो। एक्चुअली कैमरे में ढंग से यार दिखा भी नहीं पा रही। आई होप ठीक है। एंड ये भी रहा, अब ये जो आप देख रहे हो ये बाल नहीं है, वो थोड़े से वैसे चिपके हुए हैं, अदरवाइज उतर चुके हैं यहाँ से। थोड़ा सा मैं अपना ना वाइप्स के साथ या पानी के साथ इसको क्लीन करती हूँ, फिर मैं आपको अपनी आर्म्स दिखाती हूँ। अब मैं इसको बाथरूम में जाके अच्छी तरह से अपना वॉश करके आ गई थी, एंड आप देख सकते हो बिल्कुल बाल अच्छी तरह से इसने निकाल दिए हैं। और अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने अपने मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना है। कैमरा क्यों नहीं फोकस कर रहा? यप, अब आप देख सकते हो एकदम इसने मेरे बाल अच्छी तरह से निकाल दिए। अब मैं थोड़ा सा जब अपनी लोशन वगैरह लगा लूंगी तो स्किन एकदम मॉइस्चराइज हो जाएगी, एंड या बिल्कुल भी दाने नहीं हुए, बिल्कुल भी। कई लोगों की स्किन ना रेड रेड रैशेस पर जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आपके सामने ही है जो किया है मैंने। तो आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदो, मुझे ये बहुत पसंद आया।